हेलो बच्चों, मैं आपका अपना अंकित कौशल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल संजय क्लासेस पर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। तो बेटा, आपको अगर कोई डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, सर आपसे बात कर लेंगे और आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सारे पहले तो सारे ध्यान से सुनना, आज की वीडियो में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि नाइन्थ क्लास के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, और वो इंपॉर्टेंट भी ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और एक दूसरी बात उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी 16 तारीख को हमारे नाइन्थ क्लास का एग्जाम है गवर्नमेंट स्कूल का, तो उसमें मे भी वो क्वेश्चन आ जाए और आ सकता है, वो काफी चांसेस है उसके आने के। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। किसी बात करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हम बात करने वाले सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, यानी कि गति का द्वितीय नियम। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या, बोलता क्या है, वो सारी चीज देखनी है हमें। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है हमारा वो ये कहता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर मैं यहां पर देखो स्टेटमेंट लिखता हूं उसकी, क्या बोलता है वो, कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन स्टेट दैट, सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब क्या है इसका, जो हमारा जो स्टेटमेंट कहती है वो कहती है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये बताया गया है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है ये सीखना है। ठीक है ना, यानी कि मैं किसी ऑब्जेक्ट पर जितनी ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उसका मोमेंटम उतनी तेजी से क्या होगा, चेंज होगा। समझ में आ रही बात, अगर फोर्स ज्यादा लगेगी तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, अगर फोर्स कम होगी तो मोमेंटम का रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। सबसे पहली बात तो सर ये हमें मोमेंटम ही नहीं पता क्या होता, तो बेटा मैं आपको बता दूं मोमेंटम जो है हमारा, मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है बेटा, किससे डिनोट किया जाता है, पी से। और मोमेंटम कुछ नहीं है, मोमेंटम इज सिंपल, मोमेंटम इज नथिंग, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, किसका, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो मोमेंटम को हम कैसे लिख सकते हैं, मोमेंटम को हम डिनोट कर सकते हैं पी से डिनोट करते हैं, और उसको कैसे लिख सकते हैं, मास इनटू में वेलोसिटी, यानी कि पी इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, पी इज इक्वल टू एम वी, तो ये हमारा क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। ठीक है, अब मोमेंटम में ध्यान रखना बेटा, तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है हमारा मोमेंटम, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान देना, तो इस स्टेटमेंट को बेटा जरूर लिखना है, जब आपको क्या करने को आए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेरिवेशन करने को आए, छोटी सी डेरिवेशन है, ज्यादा बड़ी डेरिवेशन नहीं है, तो आपको ये स्टेटमेंट जरूर लिखनी है कि वो कहता क्या है। तो दोबारा सुनो ध्यान से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। समझ में आ गई बात, अब इसी स्टेटमेंट को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है, यानी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना उसका, तो मैं उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, क्या बताया था हमने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम का जो चेंज आएगा, रेट जो उसका होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। ठीक है ना, अब लेट सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोमेंटम में चेंज, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दिया, उसका रेट क्या आएगा, अपॉन में टी। तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स है, यानी कि जितनी ज्यादा फोर्स होगी ये उतना ज्यादा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी कम फोर्स होगी ये भी उतना कम आएगा। समझ में आ रही बात, तो ये आ गया हमारा क्या, जो मैंने स्टेटमेंट लिखी था उसका एक्सप्रेशन है। तो इसमें क्या बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, गति का दूसरा नियम भी यही कहता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, अब ध्यान से देखना बेटा, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए क्या आता है, हमारा एक कांस्टेंट लगाया जाता है, तो यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट आएगा उसको हम के से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट क्या जाएगा, के इक्वल टू जो वन होता है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया हमारा, के पी टू माइनस पी वन अपॉन में टी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू के, के की वैल्यू वन रख दो,
तुम्हारा क्या गया P2 - P1 / T। यहाँ तक समझ में आ गई बात? बोलो। तो बेटा ध्यान से देखना थोड़ा सा। अब P क्या था हमारा मोमेंटम, P क्या था हमारा बेटा, अभी बताया था P = mv, क्या था P = mv। तो P2 क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं इसको आगे करूं तो Force = P2 क्या हो जाएगा m। अब एक बात बताओ, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा क्या ऑब्जेक्ट का मास चेंज होगा? नहीं, मास तो सेम रहेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो हमारा क्या आ जाएगा P = इस एक्सप्रेशन में अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा हमारा mv2 और P1 क्या हो जाएगा हमारा mv1। तो मैं यहाँ पर वही वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, फोर्स जो हमारी आएगी वो फोर्स क्या आएगी हमारी, F = P2 है तो P2 की वैल्यू क्या है mv2 - mv1 / T। यहां तक समझ में आ गई बात? तो ये एक्सप्रेशन समझ में आया। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा हमारा, F जो है, ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या आएगा हमारा, हम क्या करेंगे m को कॉमन ले लेंगे यहां से, तो v2 - v1 / T। यहां तक समझ में आ गई बात? बोलो, ये सब समझ में आ गया, कॉमन ले लिया, कुछ नहीं करा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो आएगा वो क्या आएगा हमारा, F = अब बेटा एक बात आओ, जो हमारा v2 - v1 है और ये जो है ये वाली जो चीज है बेटा, आपको ध्यान से देखो इसको, ये क्या नजर आ रही है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो होती है v2 - v1, यानी कि जिसको हम कैसे लिखते थे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यही क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता था एक्सेलरेशन, याद है सब बच्चों को। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा v2 - v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये क्या आ गया हमारा एक्सेलरेशन, यहां क्या आ गया हमारा एक्सेलरेशन। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो क्या आया हमारा, मास इनटू में एक्सेलरेशन, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है हमारा, मास इनटू में एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात बेटा? ये सिंपल सा एक डेरिवेशन थी, एक स्टेटमेंट लिखनी है आपको, ये एज इट इज 9th क्लास के जो क्वेश्चन आने वाला है 16 तारीख को, उसमें एज इट इज 3 मार्क्स के 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। समझ में आ रही बात? तो आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने इसको ड्राइव किया है। अगर आपको समझ में आया है बेटा तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने सारे फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करिए, ताकि उनको वो भी अच्छे से समझ सके और एग्जाम में जरूर आएगा बेटा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम क्या है, संजय क्लासेस, ठीक है, आपको सब्सक्राइब कीजिए और धीरे धीरे आपको सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी,